तो भी गाइस टाइम आ चुका है अनबॉक्सिंग का, और ये पीयूष का सबसे महंगा बर्थडे गिफ्ट है, सबसे महंगा आज तक का। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस फाइनली पीयूष का बर्थडे सरप्राइज आ चुका है, बहुत टाइम के बाद मैंने ऑर्डर किया था, तो इस बॉक्स में है। अभी पीयूष सो रहा है, तो जैसे ही उठेगा ना सरप्राइज मिलेगा। तो हमारा प्लान है, हमारे पास ये बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर डालते हैं कुनाली को और इस बॉक्स को। जैसे ही वो उठेगा ना एकदम से बोलूंगा तेरा सरप्राइज आ गया, बर्थडे सरप्राइज आ गया, ठीक है? फिर वो एकदम से खोलेगा, आप निकलोगे और ये भी निकलेगा। तो ये प्लान है मेरा, कैसा है? सही है। सही है ना? चलो तो पहले एक काम करते हैं, सुनो, पहले एक काम करते हैं, इस बॉक्स को लेके चलते हैं वहाँ पे। ले आओ ले आओ। चलो अभी इस बॉक्स को लेके चलते हैं और उस बॉक्स में डालते हैं। बहुत भारी है भाई, बहुत भारी है। पीयूषी उठ जा भाई, तेरा बर्थडे सरप्राइज आ गया, बर्थडे गिफ्ट आ गया तेरा जो तूने मंगाया था। वो देख राइट में। करेगा अनबॉक्स? करेगा? खोल फिर, खोल। प्रैंक तो नहीं है? हैं? प्रैंक तो नहीं है? प्रैंक नहीं है, प्रैंक। कुनाली तो नहीं बैठा इसके अंदर? हैं? कुनाली, कुनाली बैठा है इसके अंदर, ऐसा लग रहा है मेरे को। मेरे सब मजे ले रहे क्या? देखो दीजा को बर्थडे गिफ्ट आ गया, मेरे को दिन नहीं उठ रहा। क्या वो भारी है क्या? बहुत भारी है, भारी है, इससे उठ ही नहीं रहा। पहले नहा ले, पूजा कर ले, खाना खा ले, उसके बाद। क्या बात बेटा, ऐसा ही करना चाहिए, सबसे पहले यही शिक्षा दो सबको। तो गाइस नहा दो के मस्त रेडी हो गए, फिर ब्रेकफास्ट करते हैं। आपका खाना कहाँ है? मम्मी खाना ले दो, खाना ले दो जल्दी। तो भी गाइस टाइम आ चुका है अनबॉक्सिंग का, और ये पीयूष का सबसे महंगा बर्थडे गिफ्ट है, सबसे महंगा आज तक का। लेट्स गो, 3, 2, 1। तो गाइज ये है गेमिंग के लिए स्टेयरिंग, जिसमें पीयूष गेम में कोई भी कार चला सकता है, वो भी स्टेयरिंग को यूज करके। भाई तो मैं भी चलाऊंगा, कुनाली भी चलाएंगे, सब चलाएंगे। चलो अनबॉक्सिंग करते हैं इसको। आ चुका है, ओह माय गॉड, बहुत कुछ है इसमें भाई। सबसे पहले स्टेयरिंग, सबसे पहले स्टेयरिंग, ये स्टेयरिंग है, पेडल्स भी है इसमें। ये देखो भाई, ये रहा। ओ भाई कितना मस्त लग रहा है, कितना मस्त स्टेयरिंग है, बिल्कुल रियल वाली फील है। देखो बिल्कुल रियल वाली। इसमें बटन्स भी, अच्छा ये रिमोट वाले बटन है। इसमें गाइस रिमोट वाले बटन भी है सारे, देखो रिमोट वाले बटन। तो कनेक्ट करना आता है, कनेक्ट करना। हाँ ये देखो ना, केबल है, केबल एक पीसी में, बस केबल लगानी है, बस केबल डालनी है, जैसे माउस कीबोर्ड की तरह है नॉर्मल है। ये क्या, ये क्या है? ये शिफ्टर्स है। ये भी दिखा सर, देख मेन चीज दिखा स्टीयरिंग की, ये देखो पैडल शिफ्टर्स। अच्छा पैडल शिफ्टर्स भी हैं, और क्या भाई, तो बिल्कुल रियल की तरह है। ये एक्सीलेटर है, ये ब्रेक है, ब्रेक वो देखो ना स्टिफ है, ब्रेक बहुत टाइट करो। ओ रियल की तरह है ब्रेक, तो ब्रेक तो रियल की तरह है, एक्सीलेटर भी रियल की तरह है। अच्छा ये नीचे आएगा ना, जैसे ये रियल कार में होता है, ये ऊपर आएगा टेबल पे, सामने स्क्रीन में गेम खेलेंगे और इसमें चलाएंगे कार। भाई मजा आएगा, ये तो मैं भी चलाऊंगा भाई, मैं भी खेलूंगा। ये देखो यहाँ से रेस देंगे, यहाँ से स्टीयरिंग कंट्रोल करेंगे, यहाँ से रेस देंगे, जैसे रियल कार में होता है ना। स्टूडियो में आते ही टाइगर दिखते डर जाते हैं, जंगल में टाइगर तो दिखता नहीं है, रोज देख लो। चलो भाई अब लगाते हैं गेमिंग पीसी पे इसको। देखो पहले इसको रखना है हमको यहाँ पर, ठीक है बेटा? लगे लगे कैसे, तो बात है लगाना। ये देखो ना, ये देखो, इजी है क्या? हाँ। हिल रहा है, हिल रहा है भाई, टाइट कर एकदम, हिलना नहीं चाहिए, टाइट नहीं, अभी भी टाइट नहीं, और टाइट तो है, और टाइट करोगे? अरे मैट आ जा रहा है ना, तो मैट हटा ना, मैट क्यों लगाया बीच में? अब भाई ये पैडल्स किया, पैडल लगाएंगे। तो अभी कहीं समझ में नहीं आ रहा कि ये कनेक्ट कैसे होगा, ये केबल्स कहाँ लगेंगे, तो यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं हम कैसे करना है। तो इसके नीचे लगेगी? नॉट पॉसिबल, इसके नीचे कैसे लगेगी? इसके नीचे लगेगी, तूने पहले लगा दिया भाई, ये पहले ही लगाना, निकाल के फिर लगेगा ही नहीं है, तो लग जाएगा, कैसे लगेगा? केबल कुबल साइड से जाती होगी कहीं से। ले बस स्टार्टिंग में गलती कर दी, ये पहले ही लगाना था,
अब ये निकालना पड़ेगा दोबारा। इसके नीचे केबल लगेगी, देखो इसके नीचे केबल लगेगी, ये वाली केबल लगानी है। देखो खोल उसको, खोल खोल उसको। अब ये बताइए कहाँ लगेगा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई नहीं, अभी आप छोटे हो समझने के लिए। गाइज मैं पीयूष की बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर रहा, बिकॉज वो खुद ही करेगा ना, इसकी चीज़ है तो वो खुद ही करेगा, तो उसको खुद को ही आएगा, तो सही है। बॉय भी आ चुके हैं, अब मस्ती दिखाते हैं। इससे मतलब कोई भी गेम खेल सकते हो रियल। और नीचे देखो नीचे, अरे सब है, सब है, ब्रेक एक्सीलेटर सब, ब्रेक एक्सीलेटर सब है, क्लच भी है, सब है, अरे पेडल शिफ्टर भी है। वाओ यार, ये तो गेम भी आता है, वो नहीं मतलब वही है ना, फंक्शन वही है, ब्रेक क्लच सब है, सब है, क्लच दबा के फिर ये फिर ऐसे। तो फाइनली स्टीयरिंग सेट हो चुका है, अब गेम खेलेगा पीयूष, मस्त खेल के दिखाएगा। चलो सही चल रहा है, पीयूष सही चल रहा है। तो चलो गाइस, अब मैं ट्राई करता हूँ स्टीयरिंग से खेल के, कैसा लगता है फिर बता दूँ, क्योंकि मुझे गाड़ी चलानी आती है ना, कि रियल एक्सपीरियंस है या नहीं है। चलो इसमें आवाज़ आएगी मस्त गाड़ी चलने की, और नीचे इसमें सब कुछ है, खेल के देखते हैं। ये देखो खेत में चले गए भाई, एकदम रियल एक्सपीरियंस है यार, ऐसा लग रहा है रियल गाड़ी चला रहा हूँ। ऊपर से गेम के ग्राफिक इतने अच्छे, कौन सी गेम है ये? अच्छा भाई मजा आ रहा है, अब तो मैं भी खेलूंगा भाई ये गेम। मैं तो की गाड़ी चलाने का जिसको शौक है भाई ये ले लो। गाइस मैं हाथ से और पैर से कंट्रोल कर रहा हूँ लिटरली। अरे रिवर्स कैसे करोगे इसमें? हाईवे का मैप लगा के उसको फॉलो। भाई ठुक गई। तो अभी फिलहाल मैं पोर्शे चला रहा हूँ। थार फॉर्च्यूनर चला सकते हैं, थार फॉर्च्यूनर चला सकते हैं भाई साहब, सारी सारी चलाएंगे सारी। लेकिन रियल लाइफ में हम ये नहीं कर सकते, रियल लाइफ में हम पोर्शे को जंगल में ला सकते हैं। देखो जंगल उंगल में सब जगह, ओ भाई पता नहीं रियल में ये कार ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे, ऐसी जगह पे चला पाएंगे नहीं चला पाएंगे, लेकिन गेम में तो चला सकते हैं ना। गाइज पीयूष को ना सारी कार्स के बारे में नॉलेज है लिटरली, कौन सी कार क्या होती है, कि इसमें क्या फीचर्स होते हैं, सारी कार्स के बारे में पीयूष को, जितने भी महंगी से महंगी लग्जरी स्पोर्ट्स जितने भी कार हैं, क्योंकि गेम खेलता रहता है ना, तो सबके बारे में पता है। देखते हैं फ्यूचर में बड़ा हुआ कौन सी कार लेता है ये। ये तो कहता रोल्स रॉयस लूंगा मैं, तो रोल्स रॉयस 10 करोड़ की कार लेगा ये। 5 करोड़ से स्टार्टिंग होती है उसकी, 200-250 करोड़ बैंड में जाती है। कौन सी क्लास में है तू? मैं 800। 250 करोड़ की बात कर रहा है, देखना 10 करोड़ की बात कर रहा है। क्या हो गया फिर? तो गाइस अब जा रहे हैं फॉर्च्यूनर लेके इसकी सर्विस कराने, 40,000 हो गए इसके। साहिल थार में आ रहा है, मैं फॉर्च्यूनर लेके जाऊँ, इसको खड़ी करके आएंगे वहीं पे। तो गाइस ये बच्चे आए हमसे मिलने के लिए, इतनी दूर से हाइडल से, हाइडल यहाँ से इतनी दूर है ना, वो भी साइकिल पे, तो इस तरह से मत किया करो यार प्लीज, इतनी दूर से। ठीक है ध्यान से जाना। हम तो भी निर्मल भैया से ही मिल के आ गए। निर्मल से मिल ले, हाँ। इस तरह से दूर दूर मत जाया करो साइकिल लेके, ठीक है, ख्याल रखना अपना। ये देखो जा भी कैसे रहे हैं, ऐसे कैसे जा रहे हो तुम यार, मेन रोड पे ध्यान रखना अपना। वैसे गाइस अपनी एज में हम भी आते थे साइकिल लेके बहुत दूर दूर, लेकिन फिर भी सेफ नहीं होता। आजकल का टाइम ऐसा है ना कि मतलब कुछ भी हो सकता है, तो मैं तो बोलूंगा गाइस इस तरह से इतनी दूर दूर से मत जाया करो। ये देखो किस तरह से गन्ने लेके जा रहे हैं भाई, बाहर की तरफ निकले हुए हैं, कहीं पे भी लग सकते हैं, इनसे बच के रहना पड़ता है। ये देखो गाइस 40,000 हो चुके हैं, 10 की माइलेज दे रही है, मस्त सर्विस का टाइम हो चुका है, जा रहा हूँ सर्विस कराने के लिए। तो गाइस टोयोटा पहुँच चुके हैं गाइस, यहाँ पे हमको ये वाली कार पसंद आ रही है, स्पोर्ट्स कार लेने से तो बढ़िया ही है भाई, बहुत बढ़िया। तो गाइस फॉर्च्यूनर दे दिया, शायद शाम तक मिल जाएगी हमको, शाम तक या कल सुबह तक। हाइलक्स पसंद आ गई यार भाई, बेस्ट है भाई, है ना। तो फिलहाल लंच करते हैं, चावल और आलू की सब्जी है। सो गाइस अभी हम आ चुके हैं अपने प्लॉट में, तो यहाँ पे देखते हैं कैसा काम चल रहा है। क्या देखोगे कुनाली, अब क्या देखोगे? क्या देखो, क्या समझ में आता है कुछ, क्या काम चल रहा है? ये देखो पीयूष साइकिल लेके जा रहा है भाई, ऐसा गिरेगा ना सीधा गड्ढे में गिरेगा, उल्टे काम मत कर, सीधा गड्ढे में गिरेगा। गाइज आज आपको व्लॉग में मम्मी दिख रही होगी, मम्मी गई है रिलेटिव के घर पे, कहीं पे कोई प्रोग्राम था, तो मम्मी घर पे नहीं आज। तो गाइज अभी रात के 11:24 हो गए, एडिटिंग कंप्लीट हो गई है, बाकी मम्मी आ गई, बाकी साथ में रिलेटिव भी आए घर पे, इसलिए मैं ज्यादा व्लॉग नहीं बनाया शाम को। तो फिलहाल इसको एंड करता हूँ, आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना एंड चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब रहने दे मुझे चलाने दे, मेरा मन कर रहा है। अरे मुझे चलाने दे यार थोड़ी देर, तेरा तो पीछे चलाने दे यार भाई, रेस वेस नहीं करना मुझे। क्यों? मुझे ऐसी खेल ऐसी चलाने का मन कर रहा है बस।